नमस्कार, मेरी इस रन्ना साल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गाजर के फिरनी की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। गाजर के फिरनी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई गरम करके पहले इसमें डाल देंगे एक टेबलस्पून घी। घी गरम होने के बाद हम इसमें डाल देंगे 3 चम्मच ड्राई फ्रूट्स। इसे मैंने चॉप कर लिया है। इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को ऐसे घी में फ्राई करके डालने से फिरनी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाते हैं। ये हल्का सा फ्राई हो चुके हैं, इसे आप निकाल लेंगे। इसी घी में हम गाजर डाल देंगे। 3 बड़ी साइज के गाजर को मैंने ऐसे छील लिया है। इसे हम 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें चावल डाल देंगे ऐसे तोड़ के। ये मैंने 100 ग्राम बासमती चावल को आधा घंटा भिगो के रखी थी। बासमती चावल के जगह आप गोविंदभोग चावल भी यूज कर सकते हैं। चावल को भी गाजर के साथ और 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 लीटर दूध। दूध को मैंने उबाल के रखी थी। इसे अच्छे से मिला लेंगे और चावल बॉयल होने तक इसे पका लेंगे। इसे ऐसे चलाते हुए पकाना है ताकि ये कढ़ाई के तले में बैठ ना जाए। इसे हम 8 से 10 मिनट तक पका लिया। इसे चम्मच के पीछे से थोड़ा थोड़ा मैश कर लेंगे। चावल को एक बार चेक कर लेती हूँ। चावल हमारा अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे 2 बड़ी चम्मच मिल्क पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। मैंने यहाँ पे 4 बड़ी चम्मच चीनी यूज किया। आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम या ज्यादा डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून नमक डाल देते हैं। ये फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट्स को भी डाल दिया। सारे चीजों को मिक्स करते हुए और 1 मिनट पका लेंगे। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें डाल देंगे 2 इलायची। इसे थोड़ा सा क्रश कर लिया। ये मैंने फ्लेवर के लिए डाल दिया 2 से 3 ड्रॉप केवड़ा वाटर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा गाजर के फिरनी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसे आप 1 घंटा फ्रिज में रखने के बाद ठंडा ठंडा सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये ठंडा ठंडा खाने में बहुत ही मज़ेदार है। अगर आज की इस रेसिपी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।